हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स फैशन सीक्रेट में। तो आज मैं आपको एक कफ्तान कुर्ती बनाना सिखाने वाली हूँ इस वीडियो में। तो उसके लिए मैंने टोटल 3 मीटर फैब्रिक लिया है एंड ये जॉर्जेट फैब्रिक है जो कि हमारे सिंपल साड़ी का होता है वैसा वाला फैब्रिक है, ठीक है। तो उसको मैंने इस तरह से 4 फोल्ड किया है। सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हैं 3 मीटर फैब्रिक को पूरा 4 फोल्ड करना है आपको। एंड यहाँ से जो मेरी साइड है ये क्लोज साइड है, ठीक है। एंड उस वाली साइड जो है वो ओपन साइड रहेगी, ये क्लोज साइड रहेगी इस तरह से, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से नीचे की तरफ जितनी भी आपको लेंथ रखनी होगी उतनी लेंथ आप यहां पर रख सकते हो। तो ये मैं थोड़ा सा मतलब नी लेंथ तक बनाने वाली हूँ, तो इसलिए मैं इसकी लेंथ जो है वो कम ही रखूंगी। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंगली लेंथ यहां पर कम या ज्यादा मतलब ले सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर लेंथ का निशान लगाएंगे, यानी कि मैं निशान लगा रही हूँ 32 इंच पे। और यहाँ से मैं स्ट्रेट में कट नहीं करूँगी क्योंकि ये थोड़ा सा हाई लो टाइप का कफ्तान होने वाला है। तो यहाँ से हम इस तरह से राउंड शेप दे देंगे, जैसे कि कर्व शेप रहता है वैसा शेप हम देकर उस वाले कॉर्नर तक जाकर इस तरह से अटैच कर लेंगे, ताकि जब हम पहनेंगे तो आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा उस तरह से इसका लुक आएगा नीचे की तरफ से, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हम यहाँ तक इस तरह से लेकर नीचे तक इस तरह से यहाँ पर क्रॉस में निशान लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट जो है वो हम बाद में कट कर लेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग इस तरह से हम क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट यहाँ पर कट कर लेंगे। तो इस तरह से यह वाला पार्ट हमारा कट हो चुका है नीचे वाला। अब हम क्या करेंगे, इसका नेक जो होगा वो हम यहाँ पर कट कर लेते हैं। सिंपल कटिंग है, इसमें कोई ज़्यादा मतलब ट्यूटोरियल नहीं है। यहाँ से नेक की विड्थ जो होगी वो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3 इंच। आप चाहे तो कम या ज़्यादा ले सकते हैं, बट इसमें आप बहुत ज़्यादा मत लेना क्योंकि ये शोल्डर से गिर भी सकता है इस वजह से। और यहाँ से नीचे की तरफ मैं इसकी लेंथ लूँगी 5.5 इंच, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं 3 इंच पर एक निशान लगाऊँगी इस तरह से एंड एक बॉक्स बना लूँगी यहाँ पर। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली राउंड शेप दे देंगे एंड ये फ्रंट एंड बैक दोनों के लिए मेरा सेम ही रहेगा इसी तरह से। और इस तरह से हम राउंड शेप में ही इसकी कटिंग कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर कोई और भी शेप मतलब कट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो इस तरह से हमारा मेन फैब्रिक जो है वो कट हो चुका है। अब हम लेंगे लाइनिंग का अंदर वाला फैब्रिक। मैं सिर्फ मेरी हिप साइज तक ही लूँगी ये वाला मतलब लाइनिंग का अंदर वाला। आप चाहे तो जितना आपके टॉप का लेंथ है उतनी भी आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 22 इंच तक का ये इनर पार्ट लूँगी अंदर का, ठीक है। तो ये किस तरह से आपको कट करना है वो आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर शोल्डर, ठीक है, 7 इंच मैंने लिया है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से हम लेंगे आर्मोल 7 इंच। जितना भी आपका शोल्डर एंड आर्मोल है उसका हाफ आपको यहाँ पर लेना है। इनर कट करते हो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, चेस्ट का 1/4 लेंगे। चेस्ट है हमारी 34 इंच, तो उसका 1/4 हो गया 8.5 इंच एंड प्लस हम इसमें 1.5 इंच या 2 इंच अपने अकॉर्डिंगली हम मार्जिन रख देंगे, ठीक है। उसके बाद मेरी कमर की लेंथ जो है वो 14 इंच है, तो यहाँ से हम 14 इंच पर एक निशान लगाएंगे इस तरह से, ठीक है। एंड यहाँ पर कमर का राउंड है हमारा 28 इंच, तो उसका 1/4 हो गया 7 इंच एंड प्लस यहाँ पर भी हम 1.5 इंच का मार्जिन दे देंगे एंड ये क्रॉस लाइन हम इस तरह से यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। एंड नीचे की तरफ आप चाहे तो इसी तरह से स्ट्रेट कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा हिप का साइज बड़ा रहता है तो थोड़ा सा आपको क्रॉस में इस तरह से लेना है। उसके बाद जैसा हमारा आर्म होल का कर्व शेप रहता है वैसा शेप हम यहाँ पर देके सिंपल राउंड बना देंगे एंड फ्रंट एंड बैक दोनों के लिए ये हमारा सेम ही रहेगा इसी तरह से, ठीक है। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसा हमने नेक मेन फैब्रिक में कट किया है वैसा ही हम यहाँ पर भी कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 इंच एंड 5.5 इंच पर निशान लगाया एंड यहाँ पर भी उसी तरह से राउंड जो शेप हमने मेन फैब्रिक में दिया है वही शेप आपको यहाँ पर भी देना है। तो मैं यहाँ पर राउंड शेप ही दूंगी एंड इसके अकॉर्डिंगली अब हम क्या करेंगे, इसकी सारी कटिंग कर देंगे। 1/2 इंच की मार्जिन से हम क्या करेंगे, यहाँ पर लाइनिंग के ऊपर कट करते हुए जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये पूरा फैब्रिक हम इस तरह से कट कर लेंगे एंड ये वाला पार्ट जो हमारा आर्मोल है एंड जो साइड का पार्ट है ये भी हम इसी तरह से कट कर लेंगे। ये मैंने हाफ इनर बनाना आपको सिखाया है। अगर आपको फुल चाहिए तो खाली आप यहाँ से आपको क्या करना है, हिप लेंथ तक पूरा स्ट्रेट कर देना है जितनी आपकी लेंथ होगी इतना ही करना है इनर में,
ठीक है। तो इस तरह से हमारा इनर पार्ट जो है वो कट हो चुके हैं। शोल्डर हमने कट नहीं किए हैं, तो वो रीज़न मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टिचिंग करते हैं, तो मेन फैब्रिक पे आते हैं। तो मेन फैब्रिक तो हमारा कट हो चुका है, ठीक है। यहाँ से इस तरह से हमारी लंबी स्लीव्स निकलेंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, 13 इंच तक एक स्टिच लगा दूँगी यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। 13 इंच तक हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1/2 इंच के मार्जिन से एक सिलाई लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिलाई लग जाने के बाद हम क्या करेंगे, नीचे के सबसे पहले हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक सिलाई लगा दी, ठीक है। दोनों साइड में 13-13 इंच पर हमने सिलाई लगा दी। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा खुला पार्ट है आप लोग देख सकते हैं, एक दो पार्ट है यहाँ पर, ठीक है। इसे क्या करना है, सिंपली डबल फोल्ड करना है, अंदर की तरफ डबल फोल्ड करना है इस तरह से, और यहाँ पर सिलाई लगा देनी है, ठीक। इसी तरह से आपको दोनों साइड कर लेना है, जो स्लीव्स की दोनों साइड रहेंगी, ठीक है। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, इस तरह से डबल फोल्ड करके दोनों साइड में सिलाई लगा देनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो साइड वाला हमारा क्रॉस पॉइंट होगा वहाँ पर भी आपको इसी तरह से करना है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले हमने स्लीव्स में किया, ठीक है। इसके बाद ये नीचे वाला दो लेयर आए हैं हमारे, एक फ्रंट का एक बैक का, इसे भी हम क्या करेंगे, अंदर की तरफ डबल फोल्ड करेंगे एंड नीचे तक इसकी भी सिलाई लगा देंगे, ठीक है। ये हो गया नीचे तक, दोनों साइड में आपको इसी तरह से कर लेना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, नीचे की तरफ भी इस तरह से, ठीक है। नीचे की तरफ तो हमने शेप दिया हुआ था हाई लो वाला, तो वहाँ पर भी आपको इसी तरह से करना है। ये हो गया हमारा राइट साइड, ये हो गया फ्रंट साइड, एंड इस तरह से हम नीचे की तरफ भी हम क्या करेंगे, डबल फोल्ड करेंगे एंड पट्टी को घुमा देंगे अंदर की तरफ से इस तरह से। तो ये नीचे वाला पार्ट है हमारा, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, सिंपली हल्की सी 1/2 इंच की पट्टी अंदर फोल्ड करके इस तरह से डबल फोल्ड करना है, एंड पूरे राउंड में हमें क्या करना है, इस तरह से नीचे की तरफ सिलाई लगा देनी है। तो दोनों पार्ट्स में आपको इसी तरह से कर लेना है दोनों साइड में। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि सिलाई लग चुकी है दोनों साइड में, ठीक है, और नीचे की तरफ भी हमारा फोल्डिंग हो चुका है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है, सारे साइड में हमारी सिलाई जो है वो लग चुकी है। तो अब हम इनर रेडी कर लेते हैं। तो इनर के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने शोल्डर नहीं कट किया था, ओके। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले तो यहाँ आप चाहे तो यहाँ पर पट्टी की हेल्प से भी फोल्ड कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूँगी, आर्म होल में। तो सबसे पहले हम आर्म होल बिछा लेते हैं, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर्म होल में अंदर की तरफ डबल फोल्ड करके आपको इस तरह से आर्म होल में डबल फोल्ड करके पूरे राउंड में सिलाई लगा देनी है। तो इसी तरह से सिलाई आपको उस वाले पार्ट में भी लगा देना है। जब सिलाई लग जाए तब अपने बॉडी शेप के अकॉर्डिंगली आपको, यानी कि जैसा हमने पहले मार्क किया था उस वाले पॉइंट से हमें नीचे तक इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से सिलाई लगा देनी है। तो नेक का कैसे करना है वो मैं आगे बताऊँगी, एंड नीचे की तरफ भी आपको डबल फोल्ड करना है, ठीक है। इतना समझ लीजिए, फिर ये इनर रेडी हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं इनर हमने रेडी कर लिया है। अब हम नेक रेडी करेंगे इसका एंड मेन फैब्रिक का। तो क्या करेंगे, मेन फैब्रिक सीधी तरफ से रख देंगे इस तरह से, एंड ये वाला जो पार्ट है हमारा ये इस तरह से इसकी पूरे राउंड में लेकर हमें पूरे राउंड में स्टिच लगा देंगे, ठीक है। यानी कि क्या होगा, जब हम ऊपर की तरफ से स्टिच लगा देंगे एंड ये इनर को अंदर की तरफ डालेंगे तो इसकी भी फिनिशिंग साथ ही में हो जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से रखेंगे पूरे 1/2 इंच की मार्जिन से हमें क्या करना है, पूरे राउंड में हमें सिलाई लगा देनी है, ठीक है। इस तरह से आपको राउंड बना देना है, इस तरह से आपको राउंड बनाकर पूरा नेक की पूरी राउंड में हमें सिलाई लगा देनी है। तो इसी तरह से हमारा नेक राउंड जो है वो मतलब उसकी भी फिनिशिंग जो है वो यहाँ पर हो जाएगी। तो इसके बाद आप लोग देख सकते हैं इस तरह से आपको कर लेना है दोनों साइड में, एक साइड नीचे का एंड एक साइड ऊपर का, इस तरह से पकड़कर दोनों साइड में सिलाई लगा देनी है। तो आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब हम इसे अच्छी तरह से क्या करेंगे, इस तरह से रख देंगे यहाँ पर, एंड आर्म होल ये अंदर की तरफ डाल देंगे, यानी कि इनर जो है वो हमारा अंदर की तरफ डाल देंगे। एंड आप चाहे तो इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा सकते हैं ताकि ये फिनिशिंग से अच्छे से लगे, ठीक है। ये सिलाई हम बाद में डाल देंगे इसके ऊपर, फिलहाल तो हम इसे अच्छी तरह से बिछा देते हैं ताकि जो मेन हमारा पार्ट होगा वो हम यहाँ पर कंप्लीट कर सकें, एंड वो वाला हमारा जो है वो लास्ट पॉइंट होगा यहाँ पर। तो इस तरह से हमने रख दिया है, आपको इनर शायद से दिख रहा होगा फैब्रिक में से। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ से लेकर
जो मैं मार्किंग कर रही हूँ यहाँ से लेकर हमें नीचे तक एक स्टिच लगा देनी है हल्की, जो कि दिखे ना इस टाइप में, मतलब स्टिच आपको लगा देनी है ये दोनों साइड में। आर्म होल में नहीं लगानी है, स्लीव्स में नहीं लगानी है। जहाँ से मैं मार्किंग कर रही हूँ यानी कि आपको लाइनिंग वाला फैब्रिक दिख रहा है वहाँ से लेकर नीचे तक थोड़ा सा स्लीट रखेंगे तो भी चलेगा। एंड वहाँ तक इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ तक जहाँ पर मैंने प्लस वाला आइकन बनाया है वहाँ तक आपको स्टिच लगा देनी है। नीचे की तरफ ये थोड़ा सा स्लीट रहेगा। ये स्टिच लग जाने के बाद ये कुर्ती जो है वो बिल्कुल भी रेडी हो जाएगी। एंड मैं इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखा देती हूँ। आप कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं।